हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टेंथ और ट्वेल्थ का जो रिजल्ट है वो कब तक घोषित हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ से HBSC टेंथ और ट्वेल्थ का रिजल्ट आपका मैं आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो यहाँ से जो आपका टेंथ और ट्वेल्थ का रिजल्ट है, आपको पता है टेंथ का एग्ज़ाम है फिनिश हो चुके हैं और ट्वेल्थ के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं। तो ट्वेल्थ के एग्ज़ाम आपको 27 अप्रैल को यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो 27 अप्रैल के बाद जिस भी सेंटर का एग्ज़ाम रद्द हुआ था उसका जो 28 अप्रैल से फिर से एग्ज़ाम होने हैं विद प्रूफ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो पर बने रहे। देखो, जून में आएगा बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट। इसमें कह रखा है कि जो भी जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है डॉक्टर जगवीर सिंह ने शनिवार को हिसार के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्हें कहा कि 10वीं और 12वीं कक्षाओं का परिणाम जून के दूसरे सप्ताह तक आ सकता है। ठीक है, मतलब आपका एग्जाम है जून के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में आ सकता है, यहाँ पे इससे पहले भी आ सकता है, पर आपका जून के सेकंड वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो कन्फर्म आ जाएगा। परिणाम घोषित करवाने पर जोर रहेगा और इसी आधार पर शिक्षा बोर्ड अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि 12वीं की परीक्षा रद्द की गई परीक्षा का दोबारा आयोजन 28 अप्रैल को किया जाएगा। मतलब जो जिस भी सेंटर की जो परीक्षाएं रद्द हुई थी उसका दोबारा आयोजन 28 अप्रैल से ही करवाया जाएगा और इसी दिन से दोनों कक्षाओं का मूल्यांकन शुरू करवा दिया जाएगा। डॉक्टर जगवीर सिंह ने शनिवार को हिसार के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और उन्होंने राज्य के मॉडल संस्कृति विद्यालय जाजपुर परीक्षा केंद्र का जायजा लिया। तो यहाँ से सीधे हम कह सकते हैं जून में आपका रिजल्ट कन्फर्म 100% डिक्लेयर हो जाएगा, घोषित हो जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट।